मातरम मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं आपका शुभचिंतक हरकेश चौहान। आज हम आपको एक ऐसी हैंड पोजीशन बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को एनालाइज भी कर सकते हो और साथ में अपनी बीमारी का उपचार भी कर सकते हो। बड़ी चमत्कारिक मुद्रा है जिसका नाम है पारस मुद्रा। मुद्रा एक फायदे अनेक के इस पार्ट के अंदर हम आपके पास पहुँचे हैं। तो इसके अंदर आपको ये पता करना है कि मेरे शरीर में कोई विकार चल रहा है तो कैसे कन्फर्म करेंगे। आप अपनी उंगलियों को पहले से रब कर लीजिए। ध्यान रखना, अपने हाथों से रिंग्स वगैरह अंगूठे निकाल लीजिए और फिंगर्स कैसे इंटरलॉक करके सांस भरते हुए से टाइट दबा के बैठना है। अंदर और बाहर बिल्कुल इक्वल ऐसे हो जाना चाहिए। जितना जिसका भी अगर नहीं लग रहा है ऐसे थोड़ा भी फिंगर लूज रहेगा ट्रीटमेंट समझो आपकी मुद्रा सही नहीं है। इस तरह से करके आप अगर 5 मिनट बैठ जाए, अगर आपके शरीर में घबराहट होती है, इस तरह से करके आपने बैठना, इसको घुटने के पास रख के सुखासन में या कुर्सी पे जैसे मर्जी आप बैठ जाइए, 5 मिनट तक आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए। अगर आपके शरीर में घबराहट हो तो समझो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। दूसरी बात, इससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर आपके जहाँ भी कोई भी दिक्कत है वहाँ आपको सेंसेशन शुरू होगा, या तो वहाँ पे आपको दर्द आएगा, या वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, या वहाँ पे कोई आपको इचिंग शुरू हो जाएगी। इट मीन समझो आप वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी के शिकार हैं। अब उपचार कैसे करना है, इसके अंदर आपको एक चीज़ ऐड करनी है जिससे आप सर्वाइकल ठीक कर सकते हो, स्लिप डिस्क ठीक कर सकते हो, घुटना ठीक कर सकते हो, नाभि ठीक कर सकते हो, मतलब सिर से एक एक बाल से लेके पैर के एक एक नाखून तक हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने लगाया इसको, फिंगर्स को सांस भरा, बिल्कुल ऐसे टाइट दबाएंगे आप। जितनी देर आप ब्रीथ होल्ड कर सकते हो, सांस रोक सकते हो, आप यहाँ छाती के पास इसको हाथ को रखना है, गर्दन को जितना जाने दो, कंधा आगे नहीं जाएगा, जितना जा सकते जाइए। जब लगे कि आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं, आप सीधे हो जाएंगे, सांस को बाहर कर देंगे ऐसे मुंह से खोलकर, और फिर नाक से सांस लेंगे, उंगली ढीली करके दोबारा से फिर आप सांस भरेंगे, उंगलियां टाइट कर देंगे इस तरह से, गर्दन आपकी दूसरी साइड जाइए, जितना आप जा सकते जाइए। जब लगे कि आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं फिर दोबारा से सीधे होएंगे, सांस बाहर, उंगली ढीली, ये करीबन आपको 10 बार लेफ्ट, 10 बार राइट और 10 बार अप करना है पीछे की तरफ। ऐसे अपना पीछे की तरफ जाना है, ध्यान रखना आगे की तरफ नहीं आना, ये करना है। करने के बाद आपने सभी उंगलियों के ऐसे मसाज कर देना है, रिस्ट की मसाज कर देना है और सभी टिप्स को प्रेशर करना है, पूरे कान के मालिश करेंगे और लास्ट में हथेली में 3 बार दबाना, 1 2 3, 1 2 3। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप घुटने की हल्की हल्की ऐसे रबिंग मसाज करेंगे, बीट करेंगे, थोड़ा सा टैपिंग करेंगे। अगर आपके गर्दन में दर्द है तो गर्दन पे थोड़ा टैपिंग करेंगे, शोल्डर में दर्द है शोल्डर पे टैपिंग करेंगे। मतलब इसको करने के बाद जहाँ आपको दर्द आ रहा है वहाँ टैपिंग जरूर कीजिए, इससे पिटाई कीजिए, तो आप महसूस करोगे आप अपनी बीमारी को दूर कर पा रहे हैं। इस मुद्रा का लाभ उठाइए और जिंदगी को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद।